hello children hope you are all doing good let's start today's chapter reproduction in plants learning objectives asexual reproduction in plants sexual reproduction in plants pollination fertilization and disposal of fruits and seeds all living organisms produce their own kind the process by which organisms produce new organisms of their own kind is called reproduction plants do not reproduce only from their reproductive part they can reproduce from their vegetative parts also so the various methods by which plants reproduce can be broadly categorized into asexual reproduction sexual reproduction in asexual reproduction new plants are produced from the vegetative part of plant such as leaves stem bulbs and roots in sexual reproduction however new plants are produced from seeds which grow into new plants

पेरेंट ऑर्गैनिज्म देर आर मैनी डिफरेंट वेज़ इन विच ए सेक्शुअल रीप्रोडक्शन टेक्स रीसेंट प्लान सम ऑफ दीज वेज ऑफ फ्रेगमेंटेशंस परफॉर्मेशन बर्डिंग फिशन एंड वेजिटेटिव रीप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रीप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ओके okay? और इसमें इस मैथड इस से जो ऑफिस स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट ऑर्गैनिज्म के तो कुछ मैथ आपके प्लांट्स हैं बहुत सारे तरीके हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के तो ये हैं वो आपके सारे वेज Number one is fragmentation. The process of reproduction in which the body of an organism breaks up into two or more fragments and each fragment grows into a new organism is called fragmentation. This kind of reproduction takes place in algae like spirogyra and oscillatoria. Spirogyra is a kind of algae that floats in ponds and ditches. The cells of this algae form long filaments. If any part of the filament breaks, the fragment can grow into a new filament. Fragmentation may जो एक ऑर्गैनिज्म की बॉडी होती है लाइक दिस इज द पेरेंट सेल अब ये फ्रेगमेंट्स में हो गई दो या दो से ज्यादा पीसेस फ्रेगमेंट्स का पीसेस में आपके ब्रेकअप हो जाती है फिर जो आपके हर फ्रेगमेंट है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा राइट तो ये आपका इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है स्पाइरोगायरा एंड ऑसेलेटरिया में अब स्पाइरोगायरा इज अ काइंड ऑफ एलिगी kind of है जो आपके पॉइंस या टिचेस में फ्लोट करती है पोर फॉर्मेशन एक्चुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्मी प्रोड्यूस हंड्रेड ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्पोर्स इस मैथड में क्या होता है कि जैसे फंगी है आपकी तो हंड्रेडिक स्पोर्ट वो प्रोड्यूस करते हैं ठीक है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होती है तो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही नजर आते हैं सच ऑर्गेनिज्म बेर सेक लाइक रीप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्स पॉरेंगिया

ओके okay, जो कि स्पोर्ट्स को आगे प्रोड्यूस करता है फिर हर स्पोर्ट जो है वह कवर्ड होता है एक हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग से जो कि इसको एक्सट्रीम कंडीशन जैसे टेम्परेचर का होता है या मॉइस्चर की कमी है या न्यूट्रिएंट की कमी है उसमें इसको विथ स्टैंड करने में हेल्प करता है

एंड प्लांट जैसे कि मोसज एंड फोन ये स्पो फ़ॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं एक्टिविटी वन टेक अ पीस ऑफ मॉइस्ट ब्रेड कीप इट एक्सपोज टू मॉइस्ट्योर आफ्टर अ फ्यू डेज ऑब्जर्व दिस ब्रेड पीस अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल नोटिस सम ग्रीनिश कलर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रोइंग ऑन द थिंस स्टेम अलॉन्ग विद टाइनी थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस हाइफा आपको एक मॉइस्ट ब्रेड लेनी है उसको आप मॉइस्टर में रख दीजिए कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे मैग्निक जो फाइन ग्लास के अंडर आप देखेंगे तो कुछ ग्रीनिश कलर्ड का स्ट्रक्चर आपको उसमें नजर आएगा तो इसमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होंगे जिसे हाइफा भी कहते हैं दिस इज ब्रेड मोल्ड ये होता है आपका ब्रेड मोल्ड द ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर कंटेज स्पोर्ट्स टेक वन ब्लॉब ऑन अ स्लाइड एंड कवर इट विद कवर स्लिप ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप यू विल सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इट वॉज वन ऑफ दीज स्पोर्ट्स दैट वॉज प्रेजेंट इन ईयर दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन द ब्रेड मोल्ड स्पोर्ट्स सस्पेंडेड इन द एयर एंटिल दे गेट फेवरेबल कंडीशन ग्रोथ अब इसमें से एक जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जैसे आप स्पोर्ट्स कहते हैं एक ब्लॉब को आप स्लाइड में लेंगे और उसको स्लूप से कवर करेंगे फिर आप जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि लब बहुत सारे आपको स्पोर्ट्स नजर आएंगे तो इनमें से एक स्पोर्ट्स होगा जो कि आपका एयर में प्रेजेंट होगा है ना जिसकी वजह से जो मोल्ड है वो ब्रेड में ग्रो करेगा मोल्ड स्पोर्स जो है वो सस्पेंडेड रहते एयर में जब तक कि उन्हें फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलता बडिंग द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग बर्ड्स इज कॉल्ड बडिंग बडिंग इज सीन इन यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट द यीस्ट सेल प्रोड्यूस अ बड विच गेट्स इट्स ओन न्यूक्लियस द बड डिवेलप टू अ सर्टेन साइज एंड देन डी From the mother cell to produce a new yeast cell. The new yeast cell grows, matures, and gives rise to more yeast cells. In this way, a large number of yeast cells are produced in a short time. Sometimes a new bud arises from a developing bird while it is still attached to the parent cell. In this manner, a chain of birds develops during birth in yeast cells. अच्छा बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बड़ प्रोड्यूस करके रिप्रोड्यूस करता है ये यूनिसेलिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखेगा जैसे कि यीस्ट में यीस्ट बड़ को प्रोड्यूस करता है जो उसके विच गेट्स इट्स ओन न्यूक्लियस जिसको खुद का न्यूक्लियस होता है एंड देन बर्ड डिवेलप करता है एक सर्टन साइज में एंड देन मदर सेल से यानी पेरेंट सेल से वो डीटैच होकर फिर एक न्यू ईस्ट सेल बनता है फिर न्यू ईस्ट सेल ग्रो करता है मेच्योर होता है फिर वो मोर सेल को राइज करता है इस तरह से बड़े सारे ईस् सेल जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं शॉर्ट टाइम में और कई बार जो एक न्यू बर्ड है वो एक डिवेलपिंग बर्ड से अराइज होता है जब वो अपने पेरेंट सेल पर अटैच ही रहता है तो इस तरह से चेन ऑफ बर्ड्स डिवेलप होती है बर्डिंग ड्योरिंग बर्डिंग इन यस्ट सेल्स activity 2 make a tablespoon of sugar a tablespoon of flour and half a spoon of yeast in glass tumbler add enough warm water to make a smooth paste mark the level of the paste in the tumbler and cover it with a lid check the level of the paste after 2 hours you will observe that the level has risen that the paste has become bubbly this is because of the rapid reproduction of yeast cells and the carbon dioxide released by them during respiration पुट drop ड्रॉप ऑफ दिस पेस्ट ऑन अ slide एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप यू विल ऑब्जर्व बर्ड्स formed ऑन द yeast आपने एक चम्मच शुगर लेना है आटा और एक हाफ स्पून लेना है यीस्ट एक ग्लास चम्बलर में उसमें वॉर्म वाटर डाल के स्मूथ पेस्ट बना लेना अब आपने उस पेस्ट का लेवल मैकअप कर लेना है उसको आप दो घंटे के लिए छोड़ दीजिए दो घंटे के बाद जब आप उसका लेवल चेक करेंगे ना तो आप देखेंगे लेवल राइज हो गया और जो पेस्ट है वो आपका बबली हो गया है क्योंकि जो सेल का रिप्रोडक्शन हुआ, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने रिलीज की रेस्पिरेशन के दौरान उसकी वजह से। तो बन चुकी है फिशन दिस इज द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एलगी फंगी एंड बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल इज मेर एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन वॉटर इट्स न्यूक्लियस डिवाइड इन टू द सेल Cytoplasm also constricts, forming two daughter cells. This process is also called binary fission. Single, one cell divides by fission into two. The multiplication of a cell by binary fission is very rapid, forming millions of cells within a few hours. Multiple fission involves the formation of new organisms from a single cell. This process generally occurs when environmental conditions are most favorable. That is, there is plenty of food, water, and suitable temperature. Fission is a common method. Hai. ऑफ रिप्रोडक्शन फंगी और बैक्टीरिया में तो जो बैक्टीरियल मेचोर होता है एंड वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन वाटर होता है इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है ट्यूब में एंड जो cell, जो सेल यानी साइटोप्लाज्म है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है जिससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं फिर इस प्रोसेस को कहा जाता है बाइनरी फिशन क्योंकि एक सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है बाय फिशन इनटू टू तो मल्टीप्लिकेशन होता है सेल का बाय बाइनरी फिशन बहुत ही रैपिड होता है मिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं कुछ ही घंटों में और जो मल्टीपल फिशन में आपका इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन दिस टाइप ऑफ ए सेक्शुअल वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स रूट्स लीव्स एंड बर्ड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी डन थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड नंबर वन नेचुरल मैथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिस टाइप ऑफ vegetative propagation occurs naturally in plants without any human interference by roots plants such as sweet potato dahlia and asparagus develop numerous large swollen fleshy roots these roots contain a large quantity of food inside them each such root is capable of giving rise to a new plant देखिए अगर हम इन प्लांट्स की बात करें तो इनमें बड़े सारी लार्ज सोलन फ्लैशी रूट्स होती हैं इन रूट्स में क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड होता है तो हर रूट फिर जो है उससे एक न्यू प्लांट राइज हो जाता है by stem modified stems such as tuber bulb rhizome and corm help in the multiplication of plants potato ginger garlic onion and turmeric are all underground stem that can reproduce new plant, they bear buds from which the new plants grow lilies are also grown from underground stem अच्छा देखिए ये सारे ही जो आपके हैं plants ये underground stem है राइट right? इनमें से बड्स होती हैं जिसमें से न्यू प्लांट आपका ग्रो करता है lilies भी आपके क्या है lilies को भी ग्रो किया जाता है अंडरग्राउंड स्टेम से

After a week, loosen the soil and observe the potato pieces. You will observe that the buds have started sprouting. The new roots and leaves sprouting from the buds are the new baby plants. एक पैटीटो लेना है, उसको पीसेस में कट करना है, इस तरह से कि हर पीस में बर्ड आपका है. फिर आप इन पीसेस को सोयल में डालेंगे, कुछ डिस्टेंस पे, सोयल को मॉइस्चर रखना है. एक हफ्ते के बाद देखे आप देखेंगे लूज कर जब आप सॉइल को लूज करेंगे तो पोटेटो के पीसेस आपको नजर आएंगे तो आप देखेंगे जो बर्ड्स है ना अब उनमें से स्प्राउट आना स्टार्ट हो गया है फिर जो न्यू रूट्स और लीव्स आपके स्प्राउट कर रही है बर्ड से वो आपके न्यू बेबी प्लांट्स हैं बल्ब द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ गार्लिक अनियन एंड ग्लाडियोलर इज कॉल्ड अ बल्ब अ बल्ब इज अ शॉर्ट स्टेम दैट इज सॉल बिकॉज ऑफ द फूड स्टोर इन इट इन अ पर्टिकुलर सीजन द बर्ड्स आर पुट अंडर द दे मल्टीप्लाई एंड फॉर्म न्यू बर्ल्स विच कैन देन डिवेलप इंटे न्यू प्लांट्स आपने अनियन देखा होगा अनियन या गार्लिक की जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है या उसे कहते हैं बल्ब बल्ब एक शॉर्ट स्टेम होती है जो कि सॉलिड होती है क्योंकि फूड स्टोर होता है तो किसी पर्टिकुलर सीजन में वो जो बल्ब हैं उनको सॉइल के अंडर डाला जाता है एंड देन उसमें से फिर न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं राइजोम्स जिन जो टर्मरिक इन बनाना सम मॉडिफाइड स्टेम्स नोन है राइजोम्स है बर्ड्स विच प्रोड्यूस आउट ग्रोथ्स दीज आउट ग्रोथ्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स कॉम्स ग्लैडियोल क्रॉकर्स क्लैक cycas etc combs combs have many rhizomes joined together which develop into new plants combs jo rhizomes hote wo joined we otho develop missing new plant develop hota hai. third one is by sub aerial stems in some plants branches of sub aerial stems grow from the base of the stem these branches creep along the ground or just below the ground and grow roots at the nodes the roots fix into the soil and new plants grow from the nodes chrysanthemum strawberry and mint grow in this way कुछ प्लांट्स में क्या होती है जो ब्रांचेज होती है सब एरियल स्टेम्स की वो ग्रो करती है स्टेम के बेस से फिर ये जो ब्रांचेज होती है ये ग्राउंड में क्रीप करती है या जस्ट ग्राउंड के बिलो होती है और रूट्स जो होते हैं एंड रूट्स की ग्रो कर जाती है नोट्स में फिर जो रूट्स है ये फिक्स हो जाती है सॉइल में और फिर वहाँ उन रूट नोट्स से फिर न्यू प्लांट ग्रो करता है बाई लीव्स द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफिलम प्रोड्यूस

प्रोपोगेशन अच्छा ये तो सारे नेचुरल मैथड थे अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में सम आर्टिफिशियल मैथड्स आर डिवेलप टू प्रोपोगेट प्लान मैथड्स आर कटिंग लेरिंग एंड टिश्यू कल्चर कटिंग दिस मैथड अल्दी यंग ब्रांच ऑफ अ प्लांट हैविंग लीव बर्ड इज कट ऑफ एंड कट वन एंड इस प्लानड इन मोय सॉयल इसमें क्या करते हैं कोई भी एक हेल्दी प्लांट है उसकी यंग ब्रांच को कट किया जाता है और देन उसकी से मोइस्ट सॉइल में लगाया जाता है इन अ फ्यू डेज द ब्रांच डिवेलप रूट एंड ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट दिस मैथड इज यूज टू प्रोपिगेट प्लांट्स लाइक रोज बगेनविलिया शुगकेन एंड मेनी हेज प्लांट्स इट अलाउज मेनी न्यू प्लांट्स टू बी प्रोड्यूस फ्राम अ सिंगल प्लांट विदाउट वेटिंग फोर द फ्लावर्स एंड सीड्स अब कुछ दिन के बाद क्या होता है कि ब्रांच जो है वो रूट्स डेवेलप कर लेती है और एक नया प्लांट बन जाता है तो इस मैथड को यूज किया जाता है जैसे कि रोज शुग केन एंड पॉगेन वैलिया में और इसमें क्या होता है कि इसमें से आपको फ्लावर्स या सीड्स का वेट नहीं करना पड़ता एक सिंगल प्लांट से आप कई सारे नए प्लांट्स प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं लेयरिंग

फिर जो पार्ट आपका कवर्ड है बट जो टिप होता है ना ब्रांच की वो हमेशा ग्राउंड से ऊपर होते हैं तो जो पार्ट आपका सॉइल से कवर्ड है उसमें रूट डेवेलप हो जाते हैं ओके और फिर नया प्लांट बन जाता है फॉर एग्जाम्पल इन केसेस में लेयरिंग की जाती है थर्ड इज ग्राफ्टिंग इट इज सिमिलर टू कटिंग एक्सेप्ट दैट द कट पार्ट ऑफ द प्लांट इज अटैच टू अनादर रूटेड प्लांट ऑफराटी है द प्लांट रूटेड इन द ग्राउंड इज नोन एज स्टॉक एंड द पार्ट अटैच टू द टू इट इज नोन एज अ स्किन the stock is chosen for its good root and resistant to disease while the scion is chosen for good flowers and fruits grafting is commonly used in ornamental and fruit plants such as rose mango guava apple etc grafting ki aapka cutting ki tarah hai isme cut kiya jata hai bas isme difference kya hota hai ki jo cut part hota hai plant ka उसको दूसरे rooted plant के साथ attach किया जाता है of similar variety. जो planted root होता है ground में उसको कहा जाता है स्टॉक और जो पार्ट अटैच किया जाता है ऊपर से दैट इज कॉर स्किन अब स्टॉक को चूज किया जाता है जिसकी अच्छी रूट हो एंड विच इज रेजिस्टेंट टू डिसीज एंड जो स्कीन है उसको चूज किया जाता है फॉर गुड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स तो ये ग्राफ्टिंग कॉमनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में की जाती है फ्रूट प्लांट्स में टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल्स tissues or organs in a specially formulated nutrient medium the root or the shoot tip is taken from the main plant and divided into smaller pieces each piece is then transferred to test tubes under sterile conditions until they grow into a mass of cells called the callus small parts of this callus are then transferred in special nutrient media the media consists of nutrients and growth hormones these enable the growth of roots and shoots thus forming

एंड देन वो ग्रो करते हैं इन अ मास ऑफ सेल्स जिसे कहता है कैलस अब ए स्मॉल पार्ट जो होता है इस कैलस का फिर ट्रांसफर किया जाता है स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में अब इस मीडियम में आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रोथ होमंस होते हैं जिसके बाद रूट एंड शूट ग्रो करते हैं जिससे कि प्लांटलेट्स बनते हैं फिर इन प्लांटलेट्स को ट्रांसफर किया जाता है सॉइल में जिससे न्यू प्लांट्स बनते हैं और फिर इस मैथड से बहुत सारे प्लांट्स आपके आइडेंटिकल जो पेरेंट प्लांट के प्रोपिगेट किए जाते हैं दिस मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर्स

इट इज़ अ क्विक एंड इकोनॉमिकल मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लान्स इंक्लूडिंग प्लान्स विच डू नॉट प्रोड्यूस आचस्प नाना पटेटो एंड शुगरक्रीन प्लान्स ग्रो दिस वे बिकम मे्योर दो ग्रोन फ्राम सीड्स अच्छा एडवांटेजेस क्या है सबसे पहले तो ये क्विक और इकोनॉमिकल माथड है जिससे कि हम नए प्लान्स को ग्रो कर सकते हैं और इन, इसमें वो प्लान्स भी आपके इंक्लूड होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते जैसे पटेटो है या शुगरक्रीन अब प्लान्स इस तरीके से हम ग्रो करते हैं तो वो मेच्योर जल्दी हो जाते हैं दैन दो ऑफ ग्रोन फ्राम सीड्स द न्यू प्लान्स डिवेलपड फ्राम अ सिंगल पेरेंट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लान दिस गुड मैथड ऑफ प्रोटिंग प्लांट्स बीस सर्ट इंड डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ अर ग्रोथ प्लांट्स डिवेल्प बाय वेजिटेरीव रिपोर्डक्शन यूजली नीड लेस अटेंशन दैन प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स न्यू वराइटी इज हैविंग बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस बाई यूजिंग दिस मैथड अब जो न्यू प्लांट्स डिवेलप होते हैं आपके सिंगल प्लान्स ऑफ एग्जैक्ट कॉपी होते पेरेंट प्लान के और जब ऐसे प्लांट्स की जो अर्ली स्टेज होती है ग्रोथ की इनको ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं होती है न्यू वैराइटीज जिनके में बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स हो उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है इस मैथड से डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अ नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन व्हिच मे लीड टू ओवरक्राउडिंग ड्यू टू लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन द एडेप्टिलिटी ऑफ प्लांट्स टू द एनवायरनमेंट इज लिमिटेड एंड सो दे ग्रेजुअली लूज विगर एंड बिकम प्रोन टू डिजीज अब क्योंकि इस मैथड से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है, है ना तो इसकी वजह से ओवरक्राउडिंग हो जाती है और जेनेटिक वेरिएशन की कमी की वजह से क्या होती है कि जो एडाप्टेबिलिटी होती है प्लांट्स की इन्वायमेंट की वो की तरफ वो लिमिटेड होती है और ग्रेजुअली वो क्या होते हैं दे बिकम प्रोन टू डिसीज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स ऑर्गैनिज्म वन मेल एंड वन फीमेल मोस्ट एनिमल्स एंड प्लान्स रीप्रोड्यूस बाई सेक्शुअल रीप्रोडक्शन ईच पेरेंट प्रोड्यूस वन रीप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड कैमिट The male parent produces the male gamete sperm and the female parent produces the female gamete ovum or egg. When the male and the female gamete fuse together, they form a zygote. This fusion of the male and the female gamete is called fertilization. The zygote is the first cell of the new organism. It changes over a period of time to form a new organism. अब देखिए, शैक्षण रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन मेल एंड वन फीमेल. तो हर पेरेंट जो एक रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करता है, जिसे कहते हैं गैमेट. जो मेल पेरेंट है वो मेल गैमेट यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं जबकि फीमेल पेरेंट फीमेल गैमेट यानी ओवम या, या एग को प्रोड्यूस करते हैं तो जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो वो बनाते हैं जाइगॉट एंड दिस फ्यूशन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन तो जो जाइगॉट है ये कि किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का पहला सेल होता है फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है

आपका पिस्टल होता है स्टेमिन आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं और जिनमें आपके स्टेमिन एंड पिस्टल दोनों होते हैं वो आपके बाई फ्लावर्स होते हैं यू नो द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज रिफ्लेसिया आर नॉल इट कैन ग्रो अप टू थ्री फीट अक्रॉस एन वे अपि लार्जेस्ट फ्लावर रिफ्लेसिया होता है, है ना आई एम श्योर ये सभी को पता होगा पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर अ फ्लावर फ्ला हैज फोर वर्ल्ड्स द आउटर मोस्ट वर्ल्ड इज अ फोर

अब जिस फ्लॉर में चारों वर्ड्स होते हैं वो कंप्लीट फ्लावर जिसमें नहीं होते यानी जो चार से कम होते हैं वो इनकम्प्लीट फ्लावर्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर अ स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर रिमेंबर दैट ईच स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर सपोर्टेड बाय अ फिलामेंट ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ पोलन सेक्स विच कंटेन पोलन ग्रेन्स द मेल सेक्स सेल्स ऑफ अ प्लांट अब देखिए हर स्टेमिन में आपके एक एंथर होता है सपोर्टेड बाय फिलेंट ओके और हर एंथर में आपके पोलन सेक होते हैं जिसमें आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर द पिस्टिल और कार्पिल इज द फीमेल रिपोर्डक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इट इज अट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर द कार्पिल कंसिस्ट ऑफ ए सोलन स्टिग्मा एट द टॉप अ स्पलेंडर ट्यूब कॉल द स्टाइल एंड अ सोलन ओवरी एट द बीस द ओवरी एनक्लोजेज दिन साइड विच लाइज अ फीमेल एक्स नोन एज अ ओवर अब आपका जो कार्पिल होता है इसमें आपका एक सोलन स्टिग्मा होता है टॉप पे एक स्लेंडर पतली सी ट्यूब जिसे स्टाइल कहते हैं और एक सोलन ओवरी होती है बेस पे तो जो ओवरी होती है इट इनक्लोज द ओव्यूज जिसके अंदर फीमेल एग सेल्स होते हैं जिसे कहा जाता है ओवर नेक्स्ट इज पॉलिनेशन इन फ्लावर्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स विद द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टेगमा द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमेंट टू द स्टेगमा ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स ऑफ ए पर्टिकुलर फ्लॉर में रीच द स्टिगमा ऑफ द सेम फ्लाट ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेन अगर देखिए आपके जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमिन टू द स्टिगमा ऑफ द पिस्टल उसे कहते हैं पॉलीनेशन अब पॉलीनेशन भी आपके दो तरह के होते हैं नंबर वन इज सेल्फ पॉलीनेशन पॉलीनेशन दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन द टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड

अब देखिए एजेंट्स क्या हैं पॉलिनेशन के किन की हेल्प से आपका जो है वो पॉलिनेशन होता है प्लांट्स मूव नहीं करते इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मेल फ्लावर टू मूव टूवर्ड्स अ फीमेल फ्लावर टू पॉलीनेटेड अब प्लांट्स मूव नहीं करते तो जो आपका फीमेल फ्लावर है मेल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर तक नहीं आएगा पॉलिनेट होने के लिए

पॉलीनेशन बाय विंड द फ्लावर्स इन ग्रासेज आर पॉलीनेटेड बाय विंड द फ्लावर्स इन ग्रासेज आर नीदर सेंटेड नॉट कलरफुल दे आर यूजअली बॉर्न एंड डेंस क्लस्टर एट द एंड ऑफ द ब्रांचेज दे डू नॉट हैव सेपर्स एंड पैटर्स नॉट डू दे प्रोड्यूस नक्ट दे हैव लॉन्ग स्पलेंडर एंथर्स डेट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स इन लार्ज क्वान्टिटीज द स्टिगमा आर ऑफर लॉन्ग एंड स्टिकी टू कैश द पोलन वीट मेज पेडी आर विंड पॉलीनेटेड अच्छा देखिए जो फ्लावर्स आपके ग्रासेज में होते हैं ना विंड के थ्रू पॉलीनेट होते हैं जो फ्लावर्स होते हैं ग्रासेस में वो ना तो सेंटर्ड होते हैं ना एक कलरफुल होते हैं ओके okay? और यूजुअली वो क्लस्टर्स में होते हैं ब्रांचेस के एंड पे तो उनके ना सेपल्स होते हैं ना पेटल्स होते हैं ओके okay? तो वो क्या करते हैं नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी लॉन्ग सिलेंडर एंथर जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वान्टिटीज़ में और जो स्टिग्मा होते हैं वो लंबे एंड स्टिकी होते हैं जो कि पोलन को कैच करते हैं अब जैसे कि आपके कौन से प्लांट हैं देखिए ये आपके विंड पॉलिनेटेड होते हैं पॉलीनेशन बाय इंसेक्ट इंसेक्ट हेल्प इन कॉल cross pollination of flowers flowers that are pollinated by insects are large brightly colored and sweetly scented insects are attracted by the color and scent of petals they collect nectar from flowers nectar is a sweet liquid usually present at the base of the flowers pollen grains from the anther stick to the insect's body the grain gets rubbed off when the insect visits other flowers to suck the nectar some insect pollinated flowers are mint and salvia अच्छा देखिए इंसेक्ट आपके क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं जो फ्लावर्स आपके क्रॉस पॉलिनेट होते, I mean, होते हैं आई मीन पॉलीनेट होते हैं बाई इंसेक्ट्स के थ्रू वो लार्ज होते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं और स्वीटली सेंटेड होते हैं तो इंसेक्ट जो है ऐसे कलर्स की तरफ जिन फ्लावर्स का कलर्स होता है ब्राइट जिनमें सेंट होते हैं जिनकी पैटर्न खुशबू होती है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो नेक्टर को कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स में नेक्टर आपको पता है स्वीट स्वीट लिक्विड होता है जो यूजुअली फ्लावर के बेस में आपका प्रेजेंट होता है तो पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिक, वो चिपक जाते हैं इंसेक्ट की बॉडी में फिर जो ग्रेन्स है वो रब ऑफ हो जाते हैं जब इंसेक्ट विजिट करता है दूसरे फ्लावर में नेक्टर सक करने के लिए पॉलीनेशन बाय वाटर द पॉलीनेशन इन एक्वेटिक प्लांट इज जनरली डन बाय वाटर द वाटर करेंट्स कैरी मेच्योर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू इन एंड हेल्प इन पॉलीनेशन पॉलीनेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स सच एज ग्रासेस कैरीड आउट बाय वाटर अक्वेटिक प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है वाटर करंट क्या करते हैं मेच्योर पॉलिन ग्रीनस को लेके जाते हैं एक फ्लावर टू अनादर और फिर पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन वेन पोलन ग्रीन सेटल्स ऑन द टॉप ऑफ द स्टिगमा इट जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब द पोलन ट्यूब ग्रोज अंटिल इट रीचेज द ओवियोल इन साइड द ओवरी द मेल ग्यामेट ट्रेवल्स डाउन द पोलन ट्यूब एंड रीचिज द ओवियोल इन साइड द ओवरी इन द ओवियल द मे ग्यामेट इन द फील गट यूज टुगेदर टू फॉर्म this process of fusion of the male and female gametes to form the zygote is called fertilization zygote then develops into an embryo after fertilization the ov ovary develops into a fruit the seeds develop from the ovules each seed contains an embryo that has the ability to grow into a new plant देखिए जब आपका पोलन ग्रेन सेटल होता है टॉप ऑफ द स्टिग्मा तो ये जर्मिनेट होता है और एक पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है फिर जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करते हैं जब तक कि ये ओव्यूल पे नहीं पहुंच जाते इन साइड द ओवरी मेल गैमेट जो है वो ट्रेवल डाउन करता है पोलन ट्यूब के एंड देन ओव्यूल में पहुंचता है इनसाइड द ओवरी फिर ओव्यूल में जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं फ्यूज होके बनाते हैं जयगॉड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन फिर जब आपका जयगॉड है वो एम्बरीओ में डिवेल्प होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में डिवेलप हो जाती है एंड जो सीड है वो डिवेलप होता है फ्राम द एव्यूज हर सीड में एक एम्बरीओ होता है जिसकी एक एबिलिटी होती है कि वो न्यू प्लांट में ग्रो कर सकता है seed and seed formation after the formation of zygote the petals sepals stamens wither away and fall off often the stigma and style also fall off only the ovary remains the ovules in the ovary contain a supply of food so the zygote takes in this food and develops into an embryo अच्छा अब जब zygote का formation हो गया तो जो petals sepals and stamen हैं wither away हो जाते हैं और गिर जाते हैं फिर इसके बाद जो stigma and style हैं वो भी fall off हो जाते हैं सिर्फ ovary रहता है फिर जो ovules होते हैं ovary में उनमें supply of food होता है फिर जो जायॉट है वो इस फूड को लेता है एंड देन एम्ब्रियो में वो डिवेलप होता है द एम्ब्रिय मेड अपॉफ ए रेडिकल प्लूमूल एंड वन और टू कॉटलिडन विच समाइम्स टोर फूड फॉर डोमिनेशन दूस डि अब आपका जो ओव्यूल होता है वो किससे बना होता है रेडिकल विच इज ऑल्सो सीड कोट प्लियूल एंड एक है दो क्वार्टीडन से जो कि जर्मिनेशन के लिए फूड स्टोर करते हैं तो से ओवियोल जो है फिर आपका डिवेलप हो जाता है सीड्स में एज द सीड्स फॉर्म द ओवरी बिगिनस टू स्वेल एंड डिवेलप इन टू अ फ्रूट सो फ्रूट इज एक्चुअली डिवेलप्ड डिवेल्प ओवरी सम फ्रूट सच एज मैंगोज ग्रेप्स ऑरेंजेस एंड एप्पल्स आर स्वीट एंड चूसी समटाइम्स दे बिकम हार्ड एंड वुड फॉर्मिंग द शेल्स ऑफ नट्स अ फ्रूट कैन हैव वन और मोर सीड्स इन साइड इट अब जैसे आपका सीड बनता है तो ओवरी स्वेल होना शुरू हो जाती है और फ्रूट में डेवलप हो जाती है तो फ्रूट एक्चुअली आप का एक डिवेलप्ड ओवरी है कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो ग्रेप्स या ऑरेंज की बात करें करिए स्वीट एंड जूसी होते हैं तो कई बार ये हार्ड और वुडी हो जाते हैं जैसे कि शेज बनता है नट्स का तो एक फ्रूट में आपको पता है एक या एक से ज़्यादा सीड्स हो सकते हैं डिस्पोजल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स द ट्रांसफर ऑफ़ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल सीड डिस्पोजल दिस ट्रांसफर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन फॉर स्पेस लाइट एंड न्यूट्रिएंट इट आल्सो हेल्प्स द प्लांट स्पीशीज टू स्प्रेड टू न्यू लोकेशंस द सीड्स आर डिस्पोज थ्रू वेरियस एजेंसीज आज विंड वाटर बर्ड एंड सम एनिमल्स अच्छा सीड्स का जब ट्रांसफर होता है पेरेंट प्लांट्स से किसी दूसरी प्लेस में दार डिस्को और सीड डिस्पोजल और सीड का डिस्पोज होना होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सारे सीड्स एक ही जगह पर गिरेंगे तो बहुत सारे प्लांट उग जाएंगे फिर उनके बीच में स्पेस सनलाइट न्यूट्रेंट्स को लेकर ही कॉम्पिटिशन हो जाएगा अब डिस्पोजल करता कौन है कुछ एजेंट्स इसके नंबर वन इज बाय विंड द सीड्स विच आर वेरी लाइट एंड हैव विंग्स आर इजीली कैरीड अवे बाय विंड और एयर फॉर एग्जांपल सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक मेपल मैडार कॉटन ऑर्किड बिगोनिया एटसेट्रा बाय वाटर द सीड्स विच हैव एन आउटर फाइबरस और स्पॉची कवरिंग आर डिस्पोज थ्रू वाटर दे हैव द एबिलिटी टू फ्लोट इन वाटर फॉर एग्जाम्पल कोकोनट फ्रूट सीड्स ऑफ वाटर लिली लोटस चेस्टनट एटसेट्रा अच्छा जो आपकी लाइट वेटेड सीड्स होते हैं ना हवा चलती है और वो उड़ जाते हैं है ना तो विंड के थ्रू वो डिस्पोज हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके हैं जैसे ड्रमस्टिक मेपल इस एंड वाटर के थ्रू कौन से होते हैं जो ये सीड्स इनकी आउटर फाइबरस और स्पॉन्ची कवरिंग होती है जो वाटर के थ्रू डिस्पोज होते हैं तो इसकी वजह से क्योंकि इनकी स्पॉन्ची कवरिंग होती है तो ये पानी में फ्लोट करते हैं राइट बाय बर्ड्स बर्ड्स ईट फ्रूट्स अलॉग विद द सीड्स सीड्स आर डिस्पोज टू अदर प्लेसेज थ्रू देयर फीकल मैटर फॉर एग्जाम्पल नीम कुआवा एट्सेट्रा बाय एनिमल्स सम सीड्स have स्पाइन विच गेट अटैच टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड गेट डिस्पोज सम एनिमल्स ऑल्सो ईट फ्रूट्स एंड स्पिट आउट सीड्स फॉर एग्जाम्पल जैंथियम यूरेना एट्सेट्रा अच्छा बर्ड्स अब फ्रूट खाते हैं है ना वो सीड्स के साथ ही खा लेती हैं उसके बाद ये उनके फेकल मैटर में वापस आ जाता है एनिमल्स क्या होते हैं कि कुछ सीड्स में स्पाइन होती हैं जो एनिमल के फर से अटैच हो जाती हैं और वो डिस्पोज हो जाते हैं ना कुछ एनिमल्स फ्रूट खाते हैं और सीड को स्प्रिट आउट कर देते हैं By फ्रूट्स सम फ्रूट्स बस्ट ओपन और explode when दे राइपन दिस causes द सीड्स टू बी थ्रोन फार अवे फ्रॉम द पेरेंट plant. फॉर example, फ्रूट ऑफ balsam by एक्सप्लोजन फ्रूट्स ऑफ plants such as पी castor, balsam बीन etc. explode when राइपन द सीड्स आर scattered अवे from द पेरेंट plant. कुछ फ्रूट्स आपके जैसे राइप हो जाते हैं तो एक्सप्लोड हो जाते हैं ठीक है जिसकी वजह से सीड जो हैं काफी दूर गिर जाता है अपने पेरेंट प्लांट से एयर एक्सप्लोजन में एक्सप्लोजन में भी ये होता है कि एक्सप्लोड हो जाते हैं जो फ्रूट आपका राइप होता है और उसके सीड्स स्कैटर हो जाते हैं parent plant se dur learning outcomes reproduction in plants can be of two types asexual reproduction and sexual reproduction only one parent organism is required for asexual reproduction in organism roots stem and leaves are the vegetative parts of the plant body flowers are the sex organs of the plant body seeds help in the multiplication of plants Asexual modes of reproduction in plants are fission, budding, spore formation, fragmentation and vegetative reproduction. Bacteria reproduce by fission, simple organisms like yeast reproduce by budding, non-flowering plants reproduce by spore formation and Spirogyra reproduce by fragmentation. Some artificial methods used to propagate plants vegetatively are cutting, layering, grafting and tissue culture. Stemin is a male reproductive organ and pistil or carpel is a female reproductive organ of a flower. Remember that. Wind, insects, water and animals are some external agents or pollinators that facilitate pollination. The disposal of seeds takes place through different agents such as wind, water and animals. Children, I hope you have understood this chapter and you practice this chapter